अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं लीडर दवा। आप देख रहे हैं बजबर दवा चैनल। उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज मैं 501 इंक्यूबेटर का रिव्यू देने वाला हूं जो मैंने बनाया है। और उसके अंदर मैंने जो टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर इंस्टॉल किया है, उसकी सेटिंग किस तरह से होगी वो भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं ये शुरू। चलो फ्रेंड, ये है वो इंक्यूबेटर जो मैंने बनाया है, 501 का इंक्यूबेटर है। तो पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। ये देखें इसके, इसके ऊपर मैंने एक हॉल की है ताकि जो इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह वो सर्कुलेट होती रहे। और इसके इतना ही साइज़ का हॉल मैंने इसके पीछे भी किया है नीचे वाली साइड पे, ताकि जो इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह वो सर्कुलेट होती रहे। और ये इसका फ्रंट है, फ्रंट पे मैंने काफ़ी बड़ा इसको एक शीशा लगाया हुआ है, प्लास्टिक का शीशा। और उसके अलावा ये इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी इंस्टॉल किया हुआ है, W1099 मॉडल है इसका। तो उसके अलावा ये टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी मीटर भी मैंने इंस्टॉल किया ताकि मुझे जो एग्जैक्ट इसका टेम्परेचर है वो पता चलता रहे। और ये इसकी बाहर से लुक क्या पूरी। उसके अलावा मैंने इसके ऊपर एक चटकरी सी छोटी सी मैंने इंस्टॉल की है। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि मैंने इसके अंदर मैग्नेट, लॉग मैग्नेट भी इसके अंदर लगाया ताकि मुझे कोई तंगी ना हो। ये देखें, इसकी सेटिंग मैं आपको पहले बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से ये किस तरह से है। और इसका अंदर मैं थर्मोमीटर भी रखा हुआ है ताकि जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो मुझे पता चलता रहे। पहले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से इसका टेम्परेचर किस तरह से है। ये देखें फ्रेंड, पहले मैं आपको ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट 104 पे है अंदर का टेम्परेचर इसका, बिल्कुल परफेक्ट मशीन बनी है। इसके अंदर मैंने 3 ट्रे लगाई हैं, तकरीबन एक ट्रे के अंदर 150 से ज़्यादा एग की कैपेसिटी है और तकरीबन टोटल 500 एग का इंक्यूबेटर है। जिस भाई को चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे से, फेसबुक पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया हुआ है। और इसके अंदर मैंने ह्यूमिडिटी फायर भी लगाया है, देखे जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ह्यूमिडिटी कम हुई है और इससे ह्यूमिडिटी फायर ऑन हो गया। काफ़ी अच्छी मशीन बनी है। और इसके अंदर मैंने एक 220 वाट का फ़ैन भी लगाया हुआ है, उसके अलावा 4 बल्ब लगाए हैं 60-60 वाट के। और जो टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है अंदर का। ये इसका फर्श है और ये इसकी जाली आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ब्रीक सी जाली है इसकी। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि जो टेम्परेचर है वो बरकरार रखे अंदर का। और अब मैं आपको ये टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर का की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। इसका मॉडल नंबर देख लें, W1099 टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर की ये सेटिंग किस तरह से करनी है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो आप रेड कलर में जो नंबर शो हो रहे हैं ये टेम्परेचर के कंट्रोलर के हैं। और इसके नीचे जो बटन है प्लस माइनस, इससे आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से। और उसके अलावा यहाँ पे जो आप ब्लू कलर में नंबर देख रहे हैं ये ह्यूमिडिटी फायर को ऑन ऑफ करने के लिए है, उसका शो कर रहा है कि ह्यूमिडिटी कितनी है अंदर। और उसके नीचे दो बटन लगे हैं प्लस माइनस है, इससे आप इसकी ह्यूमिडिटी की सेटिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये टेम्परेचर की सेटिंग बताता हूँ कि इसकी टेम्परेचर की किस तरह से सेटिंग करनी है। अगर आप ये फर्स्ट नंबर पे जो बटन देख रहे हैं इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें नंबर ब्लिंक होने लग गए हैं, ये इसकी माइनस में है।
यानी कि जिस पे आपने इसको ऑन करवाना है, मैंने इसको 37.6 पे सेट किया हुआ है, ये देख रहे होंगे 37.6 पे सेट किया हुआ है। इसको आप 37.5 पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं 37.6 पे सेट किया हुआ है। जैसे ही आप इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल टेम्परेचर इसका सेट हो गया। और उसके साथ ही जो दूसरा बटन है उसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये नंबर ब्लिंक करने लग गए हैं। ये इसकी ऑफ करने की सेटिंग है, यानी कि जैसे ही 37.8 पे आएगा तो ये अंदर के जो बल्ब हैं वो ऑफ हो जाएंगे। यहाँ से इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ, यहाँ से आप इसको प्लस, यहाँ से इसको माइनस पे कर सकते हैं। मैंने 37.8 पे सेट किया हुआ है और अभी इसका टेम्परेचर अंदर का 37.7 है। जैसे ही 37.6 पे जाएगा तो अंदर के जो बल्ब हैं वो ऑन हो जाएंगे। ये देखें 37.6 पे गया है तो अंदर के बल्ब जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। और जैसे ही ये 37.8 पे टेम्परेचर आएगा तो अंदर के जो बल्ब हैं वो ऑफ हो जाएंगे। इसकी बस इतनी सी सेटिंग है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी की भी सेटिंग वैसे ही है जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर की थी, वैसे ही ह्यूमिडिटी की भी वैसी सेटिंग है। ये फर्स्ट बटन है जो इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो नंबर ब्लिंक होने लग गए हैं। 75% शो कर रहा है ह्यूमिडिटी। जैसे 75 पे आएगी तो ह्यूमिडिटी फायर ऑन हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल वैसे ही सेट किया, तकरीबन 65 से कम नहीं होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, तो उस पर मैंने सेट की हुई है। और जैसे ही आप ये सेकंड बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 80, यानी कि 80% मैंने इसको रखी है। जैसे ही 80% ह्यूमिडिटी आती है तो अंदर का जो ह्यूमिडिटी फायर है वो ऑफ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ऑन हुआ था, अब ऑफ हो गया है। तो इस तरह से इसकी सेटिंग है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी सेटिंग है। और अगर किसी भाई को ये इंक्यूबेटर चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है। मेरे फेसबुक पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर विज़िट नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।